भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज ईशान शर्मा ने कप्तान रोहित शर्मा के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मौजूदा सेटअप में एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान दोनों हैं। ईशांत की यह टिप्पणी टीम इंडिया के T20 विश्व कप 2024 USA को हराकर टूर्नामेंट के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के एक दिन बाद आई है। भारतीय टीम ने 2007 में पहला ICC T20 विश्व कप जीता था। वह इस फॉर्मेट में अपनी दूसरी ट्रॉफी की तलाश में है। दिलचस्प बात यह है कि 2007 में रोहित शर्मा टीम में एक युवा बल्लेबाज के रूप में थे, जबकि वह वो बतौर कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज के रूप में है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया इतिहास दोहराने के लिए T20 विश्व कप 2024 में ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 100 से ज़्यादा टेस्ट खेले चुके ईशान शर्मा ने कहा है, रोहित शर्मा एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान दोनों हैं। उन्होंने इसे कई बार साबित किया है। अमेरिका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 110 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की मुश्किल पिच पर सूर्यकुमार यादव की नाबाद 49 गेंद में 50 और शिवम दुबे की 35 गेंदों में नाबाद 31 रनों की पारी की बदौलत भारत ने अमेरिका के 111 रनों का लक्ष्य हासिल किया, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए। ईशांत ने कहा है, मुझे तो बात उत्साहित करती है वह है अनुभवी खिलाड़ी और युवा प्रतिभाओं का मिश्रण जो विश्व मंच पर चमकने के लिए तैयार है। हमारा लाइनअप न केवल मजबूत है बल्कि रणनीति रूप में शानदार है, जिसमें हर स्थिति में खेल को बदलने वाले खिलाड़ी हैं। रोहित के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।